नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच के तहत तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से। आइए डालते हैं बाराबंकी संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले, नम आंखों से व मौन रख दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। आइए डालते हैं जिला संवाददाता राजवीर गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में निर्दोष नागरिकों की हत्या और पूंछ में आतंकियों द्वारा सेना के जवानों पर हमले के विरोध में अभाविप नगर इकाई फतेहपुर के द्वारा नगर के पटेल चौराहे पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मुख्य रूप से तहसील संयोजक विभु पाठक, नगर अध्यक्ष प्रतीक मिश्रा, नगर मंत्री श्री अंक यादव व नगर इकाई के प्रमुख दायित्वधारी व सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं, जो कि कश्मीर में मारे गए जो सिविलियंस हैं, गैर हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, और साथ में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी उनको नमन करने हेतु यहाँ पर हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। धन्यवाद। आज ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कश्मीर में हमारे हिंदू, बहुत से हिंदू सिख और गैर जो मुस्लिम हैं वो मारे जा रहे हैं और हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो हम लोग एक जागरूकता कर रहे हैं कि कम से कम अपने देश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और यदि है तो किस कारण से है, ये हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए और हम लोगों को भी इसको विचार करना चाहिए। और आज हमने जो शहीद हुए हैं उनके तो सभा 2 मिनट का मौन करके यहाँ पर हम लोगों ने रखी।